देखिए, स्कूली बच्चों का जुम्मा अक्सर छूट जाता है, जो बच्चे स्कूल जाते हैं और वो उस वक्त में जब जुमे का टाइम होता है उस वक्त में वो आ नहीं पाते हैं। तो इसका ये किया जा सकता है इसके अंदर कि हम ये कर सकते हैं कि बच्चे जो एक मुस्लिम कॉलोनी है, अगर वहाँ पर अगर 10-12 बच्चे 15 बच्चे हैं कॉलोनी के अंदर, तो उन बच्चों को इकट्ठा किया जा सकता है। ये कोई एक शख्स वहाँ पर जिम्मेदारी ले ले ताकि वो बच्चे जब स्कूल से आ जाएं और उसके बाद में 10-12-15 बच्चे जो भी हैं उनको इकट्ठा करें, तो उन्हीं में से एक जो अच्छा जानता हो, अरबी पढ़ सकता हो, तो वो खुतबा दे और कुछ वाद नसीहत करे 5 से 10 मिनट तक, उसके बाद जुम्मा वो कायम कर सकते हैं। तो ये निज़ाम हम कर सकते हैं, जो मुस्लिम कॉलोनी कम से कम वहाँ तो हो ही सकता है कि वहाँ पर 10-12 लोग बच्चे जो हैं वो इकट्ठे हो जाएं, और या फिर कोई एक जो है बुज़ुर्ग शख्स जो इसको इल्म हो तो वो उनको वाद नसीहत करे थोड़ी और उनका जुम्मा कायम करवा दे। ये मस्जिद में भी किया जा सकता है कि मस्जिद के अंदर वो वहाँ से परमिशन ले ले लोगों से, जो मैनेजमेंट वाले हैं मस्जिद के उनसे लेकर भी वहाँ पर भी किया जा सकता है, कहीं पर साइड में हो इस तरह से किया जा सकता है, या फिर नहीं हो तो किसी के घर पर इकट्ठा हो जाए, किसी की छत पर इकट्ठा हो जाए, तो वहाँ पर ये किया जा सकता है। तो ये बच्चों का जुम्मा फिर निकलेगा नहीं, क्योंकि ये अक्सर सवाल आता है कि वो बच्चे जो हैं जो स्कूल पढ़ते हैं तो उनका जुम्मा अक्सर निकल जाता है। हालांकि स्कूल के अंदर 2 शिफ्ट होती हैं, एक शिफ्ट तो वो होती है जो सुबह का स्कूल होता है और एक दोपहर वाला स्कूल होता है। तो दोपहर वाला जो स्कूल है उन बच्चों का जुम्मा निकल जाता है, सुबह वाले फिर भी पहुँच जाते हैं। लेकिन कुछ कुछ आजकल स्कूल का ट्रेंड ये हो गया है कि सुबह जो बच्चे स्कूल जाते हैं और लेकिन वो आते कब हैं, 2 से 2:30 बजे, 3 बजे वो आते हैं, उसके बाद फिर आना और उसके बाद में फिर खाना और नहाना वगैरह ये सब चीज़ें में वो लेट हो जाते हैं, तो उनको 3-3:30 बज जाती है। तो मैं समझता हूँ कि हम इस तरह से इसको कायम कर सकते हैं ताकि बच्चों को जुम्मा मिल जाए, वो अपना जुम्मा अपने कॉलोनी के अंदर मोहल्ले के अंदर जहाँ भी बच्चे रहते हैं 10-15 बच्चे इकट्ठे हो जाएँ, वो अब जुम्मा अपना पढ़ लें। और इसमें ये भी किया जा सकता है कि हमारे यहाँ होता ये है कि एक शहर के अंदर अगर मस्जिद है, बहुत सारी मस्जिदें हैं, अगर 30-40 मस्जिदें हैं, तो उनको ये सिस्टम बनाना चाहिए, इस तरह का सिस्टम होना चाहिए कि जैसे जुम्मा अगर चालू हो रहा है 1 बजे से, तो ये ऐसा ना हो कि सब मस्जिदों में एक जैसा टाइम हो, 1 बजे कहीं पर हो रहा है, कहीं पर 1:15 बजे हो, फिर उसके बाद से फिर कहीं पर 1:30, कहीं पर 2 बजे, कहीं पर 2:30 बजे, कहीं पर 3 बजे। ये पूरा असर के पहले पहले का वक्त हमारे लिए जुम्मा का ही वक्त है, तो ये होना चाहिए ताकि इसके अंदर एक तो जो स्कूल के बच्चे हैं उनको भी इसके अंदर ये सुविधा मिल जाएगी कि उनको जुम्मा मिल जाएगा, दूसरा जो कभी किसी वजह से मजबूरन लेट हो जाता है, किसी वजह से काम में फंस गया, ट्रैफिक में फंस गया, उसका जुम्मा निकल गया, तो वो इस मस्जिद से उस मस्जिद में जा सके ताकि उसको जुम्मा मिल जाए। ये कि उसके पास इतना वक्त हो कि हाँ ये 1-1.5 घंटे के अंदर तो उस मस्जिद के अंदर मुझे जुम्मा मिल जाता है, और हर मस्जिद के अंदर उसकी लिस्ट बना दे कि यहाँ पर ये जुम्मा इतनी बजे होता है। और हालांकि रिवायतों में ये भी मिलता है कि जुम्मा जो है जोहर के पहले यानी जवाल के पहले भी जुम्मा पढ़ा जा सकता है, रिवायतों में हमको मिलता है। तो ये भी होना चाहिए, अगर इतनी ज़्यादा मस्जिद है मोहल्ले के अंदर, अगर इतनी मोहल्ले के अंदर अगर ज़्यादा मस्जिद है, 4-5 मस्जिद एक मोहल्ले के अंदर रहते हैं, वो कर सकते हैं कि वो जो है जुमे को पहले कायम कर दें ताकि कुछ बच्चे जो दोपहर वाले स्कूल में जाते हैं वो उसके अंदर अपना जुमा पढ़कर जा सके। तो ये किया जा सकता है, और ये भी किया जा सकता है कि अगर स्कूल मैनेजमेंट से आप इजाज़त ले लें कि वहाँ पर जितने बच्चे हैं, क्योंकि स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं, अमूमन ये है कि 50-60 अगर 1000 बच्चे हैं तो उसमें 50-100 बच्चे मुस्लिम बच्चे होंगे, तो वो वहाँ भी किया जा सकता है अगर मैनेजमेंट मान जाता है, उनसे आप कर सकते हैं दरख्वास्त कर दें कि हम हमारे लिए जुम्मा पढ़ना ज़रूरी है बच्चों के लिए, और आप अगर थोड़ी सी इजाज़त दे दें तो एक जुम्मे पर या कोई जाकर एक को किसी को फिक्स कर दे कि वहाँ जाकर बच्चों को वो पढ़ाएगा जुम्मा स्कूल के अंदर ही, किसी क्लास के अंदर या वहाँ पर जो भी सभा स्थल होता है उनका वहाँ पर रखकर बच्चों को 5-10 मिनट बाद नसीहत करके वहाँ पर उनको जुम्मा पढ़ाया जा सकता है। देखिए, पढ़ना है जुम्मा और आपको पाना है और बच्चों को पढ़वाना है तो तरीके तो बहुत सारे, वो नहीं करना कि भाई मजबूरी बच्चे स्कूल जाना ज़रूरी है और फिर जुम्मा निकल जाता है, तो वो बातें अलग है, लेकिन किया जा सकता है। और सबसे बेस्ट ऑप्शन तो यही है कि आप कॉलोनी के अंदर 10-15 बच्चे को इकट्ठे करें और उनका एक जुम्मा आप उसमें करवा दें, इसकी कोई मनाही नहीं है, आप ये कर सकते हैं ताकि बच्चों को जुम्मा मिलना ज़रूरी है, लेकिन नहीं तो उनके जुम्मे निकल जाते हैं, वाज नसीहत भी उनको नहीं मिलती है, और इसी वजह से हम देखते हैं कि तमाम तर
बच्चे दीन से दूर होते जा रहे हैं। तो ये ज़रूरी है कि जो अल्लाह ने ये मुसलमानों के लिए जो इंतजाम किए हैं जुमे का दिन, ताकि उनको वाज नसीहत मिले, ताकि वो हर सप्ताह में उनको कुछ चार्जिंग मिलती रहे। तो बच्चों के हिसाब से, जो बच्चे के मोटिवेशन के हिसाब से, बच्चों को जो ज़रूरी जानना, बच्चों के जो मसाइल हैं उनके हिसाब से, कैसे उनको पढ़ाई और इस दीन को मेंटेन करना, आपस में कैसे उनको रिलेट कर कर चलना है, ये सारी वाज नसीहत हम बच्चों को कर सकते हैं। इसके ज़रिए से जुमा भी उनको मिल जाएगा और हमको इसका फ़ायदा भी होगा। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि ये किया जा सकता है, और ऐसे करेंगे तो इंशाल्लाह ये उनका हल है, जुमा भी मिल जाएगा। और जो अगर शुरू करता है, और ये कोई वो वाली बात भी नहीं है कि भाई अच्छा काम है, नेक काम है, आप शुरू कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इस तरह से और आगे बढ़ें। इस तरह से लोग अगर करते गए तो ये तो जो शुरू करेगा इसको, तो फिर उसको अजर और सवाब जो है उसको मिलता जाएगा, क्योंकि नेक काम की शुरुआत करना ये भी है जो अजर सवाब का बाइश है।